मैं योगेश कुमार, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, नई मंडी मुजफ्फरनगर से। आज हम व्यावसायिक अध्ययन में 12th क्लास के में वित्तीय बाजार एवं विपणन, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। वित्तीय बाजार किसे कहते हैं? वित्तीय बाजार एक ऐसा संयंत्र है जो कि उधारकर्ताओं को ऋण उपलब्ध कराता है, यानी कि जो उधार लेने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें ऋण उपलब्ध कराता है वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार तथा ऋणदाताओं के, यानी कि वित्तीय बाजार में ऋणदाताओं के वित्त लगाने का अवसर प्रदान होता है। जो ऋणदाता होते हैं, ऋण देने वाले व्यक्ति जो होते हैं, उन्हें ऋण लगाने का अवसर प्राप्त होता है और वो अपना ऋण विनियोजित करते हैं। और जो ऋण ग्रहता होते हैं, ऋण ग्रहण करने वाले, ऋण लेने वाले होते हैं, उन्हें भी मौका मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो वित्तीय बाजार में अपने अंशों का क्रय विक्रय करते हैं, वो वित्तीय बाजार के अंतर्गत लेन देन करते हैं, यानी कि वित्त प्राप्त करते हैं। वित्तीय बाजार का कार्यों में हमारे जो आते हैं, सबसे पहला आता है बचतों को गतिशील प्रदान करना। बचत जो होती हैं, हमारी जो बचत हैं, सेविंग, वित्तीय बाजार में जो बचत है उसकी सेविंग, जो हमारी सेविंग है उसे गतिशीलता प्राप्त होती है। गतिशीलता का मतलब है छोटे छोटे लोगों की जो बचतें हैं वो अपनी निवेश कर सकते हैं वित्तीय बाजार, अंशों में, ऋण पत्रों में, प्रतिभूतियों में, ब्रांडों में, इनमें सब में वे अपनी पूंजी लगाते हैं और वो गतिशील बन जाती है, आगे की ओर चली जाती है। लोग उससे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कंपनियों में, अंशों में, और जिससे उसमें ब्याज से या लाभांश से वृद्धि होती है, वो उसकी गतिशीलता मानी जाती है। दूसरा आता है हमारा प्रतिभूतियों को तरलता प्रदान करना। जैसे हमारी प्रतिभूतियाँ हैं, उन वित्तीय संपत्तियों अथवा पत्रों को जो स्थायी हैं उनको गतिशीलता मिलती है। व्यक्ति बाजार में उन्हें बेचकर धन प्राप्त कर लेता है और धन दूसरी प्रतिभूतियों में लगाता है, इसलिए दूसरा व्यक्ति उन प्रतिभूतियों को खरीदता है। इस तरह प्रतिभूतियों को गतिशीलता प्रदान होती है और वे गति में लगे रहते हैं। इसके बाद प्रतिभूतियों को मूल्य प्रदान करना, यानी कि जो हमारी प्रतिभूतियाँ हैं वित्तीय बाजार में उनका मूल्य ऊपर नीचे होता रहता है, उनका मूल्य बढ़ता घटता रहता है, और आज तत्काल में उनका मूल्य क्या होना चाहिए वो मूल्य प्रतिभूतियों को मूल्य प्रदान करता है। इससे हमें पता लगता है कि हमारी प्रतिभूतियां बाजार में किस मूल्य पर हैं। लेन देन की लागत का घटना, लेन देन यानी कि जो हमारे दलाल हैं, एजेंट हैं, उनके द्वारा जो हम खरीद विक्री करते हैं उसकी भी लागत में कमी आती है, क्योंकि इस बाज़ार में हम ऑनलाइन या दलाल के द्वारा अगर सब प्रतिभूतियों का विक्रय या क्रय करते हैं तो उससे उसमें खर्च कम आता है, लेकिन अगर हम सीधे अपनी प्रतिभूति को बेचेंगे तो उसमें उस विनियोगकर्ता मिलने में दिक्कत होती है, जिससे उसके खर्च में वृद्धि हो जाती है। दीर्घकालीन व अल्पकालीन कोष, वित्तीय बाजार में दो प्रकार के कोष प्राप्त होते हैं, एक दीर्घकालीन और एक अल्पकालीन। दीर्घकालीन वे होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं, और अल्पकालीन वे होते हैं जो कम समय के लिए दिए जाते हैं। इस बाजार में दोनों प्रकार के कोष प्राप्त होते हैं, दोनों प्रकार से ऋण प्राप्त किया जा सकता है। दीर्घकालीन और अल्पकालीन के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। सूचनाएं प्रदान करना, समय समय पर हमें अपने बाजार में नई नई कंपनियों की, नए नए अंशों की और अंशों के मूल्य के उतार चढ़ाव की सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं, ये कार्य भी वित्तीय बाजार करता है। तो वित्तीय बाजार इन सब कार्यों को बड़े सुचारू रूप से चलाता है। इसके बाद बाजार का वर्गीकरण आता है। वर्गीकरण का मतलब है बाजार का अलग अलग भेद होना, बाजार में प्रकार, बाजार कितने प्रकार का होता है। वित्तीय बाजार दो प्रकार का होता है, एक मुद्रा बाजार और एक पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार मैंने आपको अल्पकालीन बताया था, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। मुद्रा बाजार अल्पकालीन बाजार है, इसकी जो समय सीमा होती है वो एक वर्ष की होती है। एक वर्ष में जो वित्त लगाया गया है, जो धन हमने विनियोजित किया है, वो एक वर्ष तक ही चलता है, उसके बाद हम उसे बदल सकते हैं। ये लंबे समय के लिए ऋण नहीं दिया जा सकता। दूसरा आता है पूंजी बाजार। पूंजी बाजार लंबे समय के लिए चलता है, दीर्घकालीन। ये स्थायी संपत्तियाँ आदि में विनियोजित करने के काम आता है, अंशों में, विनियोगों में, ये ऋण पत्रों में। ये एक ऐसा विनियोग है जो लंबे समय तक का है, दीर्घकालीन पूंजी बाजार कहलाता है। पूंजी बाजार दो प्रकार का होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में हम सबसे पहले समता का मतलब है अंश पत्रों में, जो लंबे समय के लिए होता है, और दूसरा होता है ऋण, यानी कि पहले हम अंशों की तरफ अपना बाजार में
धन इन्वेस्टमेंट करेंगे या कंपनियां जो हैं वो ऋण प्राप्त करेगी तो वो अंशों से प्राप्त करेगी, और दूसरा जो बैंक है बैंक से अल्पकालीन ऋण लिया जा सकता है, दीर्घकालीन भी लिया जा सकता है, बैंक से या किसी लेनदार से हम ऋण प्राप्त कर सकते हैं। द्वितीयक में हमारी जो रुचि होती है वो पहले ऋण की होती है, पहले हम ऋण प्राप्त करते हैं और जो उसमें शेष रह जाता है पूंजी का इन्वेस्टमेंट वो हम समता अंशों से प्राप्त करते हैं, समता अंशों से प्राप्त करेंगे। इसके बाद पूंजी बाजार के प्रकार, पूंजी बाजार के प्रकार में दो होते हैं, एक संगठित पूंजी बाजार एक असंगठित पूंजी बाजार। संगठित पूंजी बाजार में वे संस्थाएं आती हैं जो विनियोग करने देते हैं, जैसे सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाएं, प्रतिभूतियां विनिमय बोर्ड आदि संगठित पूंजी बाजार में आते हैं। असंगठित पूंजी बाजार वे होते हैं जिनमें निजी लोग होते हैं, जैसे साहूकार, देसी बैंकर्स आदि, महाजन, ये सब हमारे असंगठित पूंजी बाजार में आएंगे। संगठित पूंजी बाजार में प्राथमिक बाजार और गौण, प्राथमिक मुख्य बाजार होता है जो बैंक होते हैं, और गौण में जो उसके सहायक बैंक होते हैं वे आते हैं। और असंगठित पूंजी बाजार में देसी बैंकर, महाजन, साहूकार आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद बाजार, पूंजी बाजार का महत्व आता है, पूंजी बाजार के क्या लाभ हैं। पूंजी बाजार का जो महत्व है उसमें सबसे पहले औद्योगिकरण पर आधारित, सबसे पहले पूंजी बाजार जो है वो उद्योगों पर निर्भर करता है। उद्योग जो होते हैं, नई नई जो व्यापार स्थापित किए जाते हैं, जो नई नई हमारी औद्योगिक इकाइयां की जाती हैं, उन्हें दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकता होती है और उस दीर्घकालीन पूंजी को पूंजी बाजार से ही प्राप्त किया जाता है, जिस पर ये उद्योग आधारित होते हैं और इनकी उन्नति होती है और ये स्थापित किए जाते हैं, इन्हें गति प्राप्त होती है, विकास की गति तेज। जैसे जैसे ऋण प्राप्त होगा वैसे वैसे व्यापार बढ़ेगा और व्यापार बढ़ने के साथ साथ पूंजी का निवेश भी बढ़ेगा और ये पूंजी बाजार द्वारा ही संभव है। और जितना व्यापार स्थापित होंगे विकास की गति उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, उतनी ही आय में वृद्धि होगी। तरलता उत्पन्न करना, तरलता उत्पन्न करने का मतलब है कि पूंजी को तरलता प्रदान करना, पूंजी को आगे की ओर बढ़ाना। जो आज हमने पूंजी लगाई उस पर लाभांश या ब्याज के द्वारा उसमें पूंजी में वृद्धि होती रहती है और उससे पूंजी वृद्धि होकर उसी मार्केट में बढ़ती रहती है जिसे तरलता प्राप्त होती है। व्यावसायिक जोखिम लेना, जोखिम के बिना लाभ नहीं है, अगर आप जोखिम लेंगे तो लाभ। आपने पूंजी निवेश की उद्योगों में तो आपको जोखिम लेनी होगी, व्यापार डूब भी सकता है और आपका पैसा डूब भी सकता है, ये जो जोखिम है ये आपको लेनी होगी। इसलिए इस व्यापार में जोखिम भी निहित है और जितनी ज़्यादा जोखिम होगी उतना ही ज़्यादा लाभ भी हो सकता है। विदेशी पूंजी प्राप्त होना, पूंजी बाजार में विदेशी संगठनों से भी पूंजी प्राप्त होती है, विदेश से भी पूंजी प्राप्त होती है और ये अवसर जब प्राप्त होते हैं जब हमारे यहाँ की शेयर मार्केट ऊंचाई की ओर जा रही हो। इसके बाद आता है वित्तीय स्थिति को स्वस्थ बनाना। वित्तीय स्थिति को स्वस्थ बनाने के लिए सरकार का और कुछ संस्थाओं का दायित्व बनता है, जैसे RBI का दायित्व है कि उसमें कोई ऐसा कार्य न हो जिससे लोगों का धन डूबे या इन्वेस्टमेंट करने वालों का धन डूबे, तो उसे स्वस्थ रखना होता है ताकि उसमें कोई ऐसा गलत कार्य ना हो जिससे लोगों को अविश्वास उठे और पूंजी बाजार डूब जाए। तो पूंजी बाजार को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपनी जो व्यवस्था है वो बनानी होती है, उसमें निवेशकों को पूरा विश्वास दिलाया जाता है। इसके बाद आता है मुद्रा बाजार के उपकरण। मुद्रा बाजार के जो उपकरण हैं उसमें क्या क्या चाहिए, हमें मुद्रा बाजार में कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा उपलब्ध होनी चाहिए। मुद्रा बाजार में सबसे पहले है मांग मुद्रा। बाजार में ऋण और मांग मुद्रा, यानी कि मुद्रा कितनी इन्वेस्टमेंट होनी है वो बाजार में उपलब्ध होनी चाहिए। RBI को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि मुद्रा जो विनियोगों को, निवेशकों को चाहिए वो मिलती रहे और ऋण भी प्राप्त होता रहे। दूसरा, खजाना बिल। भारत सरकार के जो बैंक हैं RBI, उस पर जो धन होता है वो लोगों को प्रतिभूति के रूप में या वैसे अल्पकालीन ऋण के रूप में दिया जा सकता है, तो उस पर एक निश्चित दर से ब्याज लिया जाता है। व्यापारिक बिल या वाणिज्यिक बिल, जैसे विनिमय पत्र, हुंडी, ये 90 दिन के लिए बिल इशू किए जाते हैं और बैंक इन्हें भुनाकर अल्पकालीन धन प्राप्त कराता है। वाणिज्यिक पत्र,
वाणिज्यिक पत्र जो होते हैं वो व्यापारी अपने एक दूसरे पर लिखते हैं, ये भी हुंडी, व्यापारिक बिल और प्रतिज्ञा पत्र आदि इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। जमा प्रमाण पत्र, कुछ समय समय पर सरकार जमा पत्र निकालती है, जैसे विकास बॉन्ड आदि, उनमें इन्वेस्टमेंट करने से मुद्रा बाजार का उपकरण है, मुद्रा बाजार बढ़ता है तो उनका भी लेन देन इस बाजार में होता है। इसके बाद आता है स्कंद विपणनी के कार्य। स्कंद विपणनी जो होती है स्टॉक एक्सचेंज, उसमें क्या क्या चीज़ निहित है, उसका क्या क्या कार्य है। सबसे पहले प्रतिभूतियों के लिए बाजार, यानी कि प्रतिभूतियों के लेन देन जैसे अंश, ऋण पत्र और ब्रांड आदि, उसके लिए एक स्थायी मार्केट मिल जाती है जहां क्रय विक्रय किया जा सकता है। दूसरा, तरलता प्रदान करना, पूंजी को तरलता प्रदान की जाएगी ताकि इसमें इन्वेस्ट करने के बाद जो लाभांश, ब्याज आदि से वृद्धि होती है, उससे हमारी प्रतिभूतियों के मूल्य में वृद्धि होती है और धन में गतिशीलता प्राप्त होगी। इसके बाद आता है प्रतिभूतियों का मूल्यांकन। समय समय पर नई नई प्रतिभूतियों के मूल्य में उतराव चढ़ाव होता रहता है, उसके बाद प्रतिभूतियों का मूल्य भी सही ज्ञात हो जाता है। इस बाजार में जाकर हम कभी भी समय पर देख सकते हैं कि आज हमारी कंपनी के अंशों का क्या मूल्य है। स्वामित्व का स्थानांतरण, इस बाजार में हम अपने अंशों को स्वामित्व बदल सकते हैं। अगर हम किसी को अंश बेचते हैं तो एक आवेदन के साथ उसका स्वामित्व दूसरे व्यक्ति को चला जाता है। व्यक्तिगत जोखिम विस्तार, इसमें एक व्यक्ति अपनी जोखिम पर ही विनियोग कर सकता है और विनियोग जोखिम का विस्तार बहुत बड़ा होता है, कितना ही धन वो इस बाजार में विनियोग कर सकता है। इसमें बचतों को निवेश, बचतों का निवेश होता है, बचत अपने विनियोग करने के कार्य आ सकती है। मेरी बचत कहीं भी मैं अपना विनियोग कर सकता हूँ इस बाजार के माध्यम से, ऋण में, अंशों में, ऋण पत्रों में इत्यादि। और इसमें उद्योग आगे की ओर बढ़ते हैं क्योंकि पूंजी प्राप्त होने से उद्योगों को गतिशीलता प्राप्त होती है और बड़े बड़े उद्योगों को आवश्यकता के अनुसार छोटी छोटी मात्रा में जो पूंजी विनियोजित होती है वो प्राप्त होने से उद्योगों को आगे की ओर बढ़ावा मिलता है। इसके बाद हमारा जो विपणन है, विपणन क्या होता है, विपणन उत्पादक, यानी कि विपणन एक ऐसी परिस्थिति है कि उत्पादन से उपभोक्ता तक पहुँचाने की प्रक्रिया विपणन कहलाती है। यानी कि हम अपना धन, अपनी उत्पादित वस्तु को ग्राहक तक पहुंचाने के लिए बीच में जो प्रतिक्रिया होती है उसे विपणन कहते हैं। विपणन के लिए, उत्पादक तक पहुंचाने के लिए अवधारणा, यानी कि उत्पादक सबसे पहला जो व्यक्ति होता है वो उत्पादक होता है, यानी कि उत्पादन। उत्पादन, उत्पादन से उत्पाद, यानी कि कौन सा हमने उत्पाद किया है। उत्पादन एक प्रक्रिया है, एक हमने उत्पादन के लिए एक अपनी इकाई लगाई, उससे जो उत्पाद हुआ उस उत्पाद को हमें आगे की ओर पहुंचाना है, यानी कि विक्रय करना है। सबसे पहले मशीन उस प्रतिक्रिया के लिए, दूसरा उसमें क्या उत्पादन किया गया है वो उत्पाद, और उस उत्पाद को विक्रय के लिए आगे प्रोत्साहित करना ये, और विक्रय को सामाजिक, समाज से जोड़ना, ये विपणन है। यानी कि वस्तु उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाना विपणन कहलाता है। विपणन एक बाजार का निर्माण करता है, सुसंगठित बाजार का निर्माण करता है, और ये हमारा विपणन में कुछ बातें और आती हैं। विपणन के जो कार्य हैं वो मुख्य ये होते हैं। पहला कार्य जो विपणन का है उसके अनुसार बाजार की सूचना, विपणन का सबसे पहला कार्य है बाजार की सूचना। किस बाजार में कौन सा उत्पादन बिकेगा उसकी सूचना उसे होनी चाहिए, यह विपणन के अंतर्गत आता है, ये ज्ञान हमें विपणन के अंदर प्राप्त होगा। दूसरा जो आता है उत्पाद की रूपरेखा, हमारा उत्पादन किस प्रकार का, कैसा होगा, उसकी रूपरेखा हमें तैयार करनी होगी कि बाजार में जितना कंपटीशन है उसमें हमारा व्यापार कैसे चलेगा,
हम ऐसी रूपरेखा तैयार करें। इसके बाद आता है श्रेणी। श्रेणी, श्रेणी में हमारे उत्पाद की क्या श्रेणी है, उच्च क्वालिटी का है या लो, वो इसके अंतर्गत तैयार की जाती है। ये भी विपणन का कार्य है। इसके बाद पैकिंग, हमारी वस्तु की कैसी पैकिंग होगी, ये विपणन के अंतर्गत आएगा। और ब्रांड, कैसा ब्रांड होगा। इसके बाद ग्राहक की सहायता, हमें ग्राहक को हर प्रकार से सहायता देनी चाहिए कि हम ग्राहक की किस प्रकार सहायता कर सकते हैं, हम अपने ब्रांड को कितने मिनिमम मूल्य पर अच्छे से अच्छी क्वालिटी दे सकते हैं, वो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे। इसके बाद परिवहन, परिवहन के अंतर्गत हम अपनी वस्तु को ग्राहक तक पहुंचाने के लिए क्या प्रक्रियाएं कर सकते हैं, वो परिवहन के अंतर्गत आएगा। और अंत में आता है भंडारण। अगर माल नहीं बिकता है तो उसे हमें भंडारण में ही रखना पड़ेगा, उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये विपणन के अंतर्गत हमारा आता है, ये विपणन के कार्य हैं। विपणन में अब भूमिका आती है, विपणन में आगे भूमिका, विपणन की क्या भूमिका होती है, व्यवसाय में विपणन की क्या भूमिका है, यह हमें देखना है। विपणन में व्यवसाय की भूमिका, व्यवसाय में जो विपणन है उसकी क्या भूमिका रहती है। सबसे पहले सूचना का एकत्रीकरण करना, यानी कि व्यापार से संबंधित सभी सूचनाएँ एकत्रित करना विपणन के अंतर्गत आता है। हम उस व्यापार से संबंधित जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सूचना एकत्रित करें या उनके परिवर्तन की जो भी सूचना है वो हम एकत्रित करें, तभी हम व्यापार को बाजार के अंदर स्थिर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है नियोजन एवं निर्णय। और जब सूचनाएं एकत्रित हो जाती हैं उसके आधार पर हम विपणन के द्वारा उनका नियोजन कर सकते हैं, उनका निर्णय निकाल सकते हैं, कैसे हमें योजना बनानी है, भविष्य के लिए क्या करना है, वो सब हम इसके अंतर्गत बनाएंगे नियोजन के अंदर। इसके बाद आता है उत्पाद का चयन। जो उत्पादन हमने किया है, यानी कि जो हम उत्पादन करने जा रहे हैं उसका चयन करना है। जो सूचनाएं हमने एकत्रित की, जो नियोजन बनाया, उसके आधार पर हम देखते हैं कि जो उत्पादन हमें करना है क्या वो सही है, क्या हम उस उत्पादन को कर सकते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तभी हमें उत्पादन करना चाहिए, तो हम विपणन के द्वारा ही व्यवसाय का उत्पादन का चयन कर सकते हैं। इसके बाद आता है विक्रय में वृद्धि। उत्पादन हो गया, उत्पादन होना आसान होता है लेकिन उत्पादन का विक्रय करना सबसे कठिन कार्य है। उत्पादन का विक्रय करने के लिए, विक्रय को गतिशीलता प्रदान करने के लिए विपणन बहुत जरूरी है। विपणन के द्वारा ही हम उत्पादक को विक्रय की ओर अग्रसर कर सकते हैं, यानी कि आगे की ओर बढ़ा सकते हैं, बढ़ सकता है। इसके बाद उपभोक्ता की संतुष्टि। विक्रय की गई वस्तु से उपभोक्ता संतुष्ट है या नहीं, जिसने उसे उपभोग किया है, जिसने उसे खरीदा है, जो उसका प्रयोग करेगा, वो उसके उस वस्तु के लिए संतुष्ट है या नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसलिए उत्पाद ऐसा होना चाहिए कि जो उपभोक्ता, यानी कि जो हमारा ग्राहक है, जो उसे प्रयोग करना कर रहा है, वो उससे संतुष्ट है, उसकी संतुष्टि सबसे बड़ी है। ग्राहक की संतुष्टि सबसे महत्वपूर्ण है, और ग्राहक की संतुष्टि होने के बाद ही हम अपना उत्पादक को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं, अन्यथा रुक जाए। विपणन के द्वारा हम ग्राहक की संतुष्टि कर सकते हैं। इसके बाद आता है दीर्घकालीन विकास। और जब ग्राहक की संतुष्टि हो जाती है तो हमारा जो व्यापार है, जो व्यवसाय है, वो लंबे समय तक चलेगा, एक लंबे टाइम तक चलता रहेगा, जिसके द्वारा हमारे व्यवसाय दिन दुगना रात चौगुना बढ़ेगी, क्योंकि ग्राहक की संतुष्टि है तो व्यवसाय बढ़ता ही रहेगा और दीर्घकालीन हो जाएगा। इसके बाद आता है अर्थव्यवस्था में भूमिका। अर्थव्यवस्था में हमारी जो भूमिका है वो क्या है, जो समाज की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था है, उसमें विपणन की क्या भूमिका है। सबसे पहले भूमिका है उद्योगीकरण को बढ़ाओ। विपणन के द्वारा ही नए नए उद्योग होते हैं, उन उद्योगों को आगे की ओर बढ़ाया जाएगा, नए नए उद्योगों की स्थापना होगी, उन्हें गतिशील बनाया जाएगा। ये उद्योगों के द्वारा, इसके क्या नाम, विपणन के द्वारा ही उद्योगों का बढ़ावा होता है, उद्योग आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद आता है जीवन स्तर में वृद्धि। नए नए उद्योग लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो उनके जीवन स्तर में वृद्धि होगी, क्योंकि उनकी प्रति आय वृद्धि होगी, और प्रति व्यक्ति आय वृद्धि होने के साथ साथ समाज में रहने वाले व्यक्तियों का जीवन स्तर ऊंचा होगा नई नई व्यवस्थाओं के साथ। इसके बाद आता है रोजगार में वृद्धि। भाई नए नए जब यूनिट लगेंगी, उद्योग लगेंगे, तो उनमें रोजगार उत्पन्न होंगे,
रोजगार उत्पन्न होंगे तो लोगों को कार्य ज़्यादा मिलेगा, आम व्यक्ति को कार्य ज़्यादा मिलेगा और समाज का स्तर ऊपर होगा और इससे रोजगार के अवसर निकलते रहेंगे। जितने उद्योग बढ़ेंगे उतने ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, क्योंकि उसमें कार्य करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। इसके बाद आय में वृद्धि, जब रोजगार सृजन होगा तो आय में भी वृद्धि होगी कमाने वाले। अब मान लीजिए एक व्यक्ति के लिए रोजगार है, फिर हो सकता है पूरे परिवार को रोजगार मिल जाए, तो उससे आय में वृद्धि होगी। आय में वृद्धि होगी तो उनका जीवन स्तर ऊंचा होगा, वे अपने आप को उतने ही ऊंचाई तक ले जाएंगे, समाज भी ऊंचे ऊपर की ओर उठेगा। तो ये आय में भी वृद्धि करता है हमारा विपणन के द्वारा। इसके बाद आता है संतुलित विकास, यानी कि पूरा का पूरा जो विकास है वो एक संतुलित विकास होगा, हर आदमी अपने जीवन स्तर को ऊंचे की ओर ले जाएगा। एक कड़ी दूसरे से जुड़ी रहेगी, जब ऊपर वाले की में कार्य में वृद्धि होगी तो नीचे तक की कड़ी जुड़ी हुई होने के कारण सबका विकास होगा, और ये संतुलित विकास विपणन के द्वारा ही संभव है। तो ये विपणन और वित्तीय बाजार दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। वित्तीय बाजार पूंजी निवेश करता है, उद्योगों को गतिशीलता मात्रा प्रदान करता है, और विपणन उसमें आगे के लिए सहायक होता है। ये विपणन के अंतर्गत, और यही हमने आज सीखा है, इसे पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।